हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने खबर सुना होगा कि आद्रा के PQRS साइडिंग में रेल हादसा, जिसमें एक AC कोच और एक नॉन AC कोच हुए पटरी से बाहर। दरअसल दोस्तों, ये एक मॉक ड्रिल था जिसे वास्तविक रेल दुर्घटना के समय रेलवे के बचाव एवं राहत दल स्फूर्त ढंग से कार्य कर सके, इसके लिए एक कृत्रिम दुर्घटना का दृश्य बनाकर मॉक ड्रिल किया जाता है। इसी प्रोग्राम के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में आज रेलवे के बचाव व राहत दल ने NDRF टीम के साथ संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया। सुबह 9:45 पर सायरन बजने के बाद रेलवे द्वारा दुर्घटना के पश्चात किए जाने वाले सारे कार्य किए जाते हैं और NDRF टीम की भी मांग की जाती है। सूचना मिलते ही NDRF की टीम तुरंत घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर जाती है और रेलवे के साथ संयुक्त रूप से बचाव व राहत का कार्य शुरू किया जाता है। इस संयुक्त मॉक ड्रिल में 22 घायल और 11 मृत यात्रियों को दर्शाया गया। रेलवे तथा NDRF की टीम ने इस संयुक्त मॉक ड्रिल अभियान में सभी घायलों को सफलतापूर्वक क्षतिग्रस्त ट्रेन के कोच से निकाला तथा उन्हें चिकित्सा मुहैया कराने हेतु सिविल अस्पताल भी भेज दिया। क्षतिग्रस्त ट्रेन के कोच से घायल और मृतकों को निकालने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से कोच को काटकर घायल यात्रियों को निकाला गया।